हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आप लोगों को पहले एक चीज दिखानी है। ओ लॉक, सॉरी, ये चेक कीजिए। मेरे साथ है एक जैकेट मेरी, सही है, और एक पिल्लो लेकर आया हूँ, साथ में एक कुशन, उल्टा हो गया, एक पिल्लो और एक कुशन और साथ में एक ब्लैंकेट लेकर आ गया हूँ मैं, सही है। इसका मतलब ये है कि आज का व्लॉग हम लोग करने लगे हैं 24 आवर चैलेंज। एक चीज और रह गई जो आप लोगों को दिखाने। मेरे पास इस टाइम गाड़ी के अंदर कोई पैसे ऐसे नहीं है, समझ लो ना, मेरे पास अपना मेरा वॉलेट है, वॉलेट में घर रखा हूँ, और मेरे साथ कोई भी वो जो गाड़ी के अंदर पैसे पड़े हुए थे वो भी नहीं है। टोटल मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ ये 5,000 रुपए। बाकी यहाँ पे तीन कार्ड पड़े हुए, एक मेरा आईडी कार्ड है, एक ड्राइविंग लाइसेंस है और एक गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो है, टोटल वो सामान है। और उसके अलावा मेरे पास है ये 5,000 रुपए का नोट, और इसके अलावा ना मेरी जेब के अंदर और ना ही स्कर्ट के अंदर एक सिंगल रुपी भी नहीं पड़ा, एक सिक्का तक नहीं पड़ा हुआ। तो समझ रहे हो, आज का जो चैलेंज है वो है सर्वाइविंग 24 आवर्स विद ओनली 5,000 पाकिस्तानी रुपीज। और जो मेन चीज है जो इस चैलेंज को एक्साइटिंग बनाती है वो है कि मैं घर नहीं जा सकता। तो 24 आवर्स चैलेंज विद 5,000 पाकिस्तानी रुपीज विदाउट गोइंग टू होम। तो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि मैं अपने साथ ये ब्लैंकेट तकिए शकिए और अपनी जैकेट ले आया, क्योंकि आज हमने अपना सारा का सारा दिन गुजारना है इसी के अंदर। टाइम भी हम लोगों ने गुजारना है, अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 बजे का। आज मैंने अलार्म लगाया था कि उठो भाई, सुबह 9:30 बजे उठ के फ्रेश फ्रेश होके मैं इधर बैरियर टाउन के अंदर आ गया हूँ। मैंने कहा भाई आज हम लोग कर देते क्योंकि आज हमारा लास्ट दिन है लाहौर के अंदर, तो लाहौर जाने से पहले एक जरा एक्साइटिंग चैलेंज करते थे। यकीन मानो मेरा दिन 5,000 रुपए से गुजरते ही नहीं, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर रहा ना, फिर भी बहुत 10-15 हजार 20 हजार ऐसे निकल जाते, कोई ना कोई कुछ ना कुछ पड़ ही जाता है। अब ये चेक करो, डिग्गी के अंदर मेरे पास वही जो सारा सामान वान मैंने हटा दिया कि यहाँ से पैसे वैसे ना निकले, समझ रहे हो, गलती से। मतलब मैं आप लोगों को कसम खाने की जरूरत नहीं है मुझे आप लोगों से, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी जुबान दे रहा हूँ कि सच में कुछ भी नहीं है। तो ये साथ मैंने अपने जॉगर्स वगैरह रखे, जॉगर्स ये कि जिम जाने, मैंने तो जिम जाने में हम लोग जहाँ मैं 1-1.5 घंटा जाता हूँ जिम में, आज 3-4 घंटे गुजारेंगे वहाँ पे। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज करने वाला क्या। आपको मेरे हुलिये से पता चल रहा होगा, बाल शायद बहुत बड़े हो गए हैं और दाढ़ी भी कटवाने वाली है, मूंछे भी सेट करवाने वाली है। ये चेक करो, मिट्टी चेक करो, तो इसको भी चल के हम लोगों ने वॉश करवाना है। इसको हम लोग पॉलिश नहीं करवाएंगे क्योंकि पॉलिश में और एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं। एक स्कर्ट को वॉश करवाने वाला काम हो गया, एक मेरा हुलिया, मेरे अपने बाल चाल कटवाने वाले हो गए। उसके बाद फिर मेरा जो वेप का फ्लेवर है वो 4,500 रुपए का आता है, तो वो भी कुछ मतलब कुछ ना कुछ हमें जुगाड़ लगाना पड़ेगा, किसी से बातचीत करनी पड़ेगी, समझ लो। उसके बाद फिर बारी आती है, अभी मैंने नाश्ता नहीं किया, नाश्ता भी आज करेंगे हम लोग, शाम का खाना भी खाएंगे, उसके बाद रात का खाना भी खाएंगे, तो वो जो सारी जगह है वो हमने लोकल की से जाके खानी पड़ेंगी, क्योंकि भाई एक्सपेंसिव होटल से तो हम लोग खाने से रहे आज के दिन, क्योंकि पैसे बहुत कम है, मजा आएगा आज वल्लाह, एक न्यू चीज है ना, तो जरा करने में मजा आएगा, इससे पैसे शैसे भी जरा बच जाएंगे हमारे। तो यार सुबह के 10:15 बजे हम लोग ये चैलेंज स्टार्ट करें और कल 10:15 बजे हम लोग एंड करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं, पहले चलते हैं, सबसे पहले हम लोग बाल चाल कटवाते। कैसे हो जी, क्या हाल चाल, ठीक हो, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, चलो पेपर है, चलो बेस्ट ऑफ लक। आज मजा आएगा क्योंकि अभी हमें निगोशिएट करना पड़ेगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता निगोशिएट करना, क्योंकि मेरा इसी ने यार क्या फड्डे चड्डे करो, बहस करो, जो पैसे पकड़ाओ पढ़ो निकलो यहाँ से। अरे आज तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कौन हो, टिकटॉकर्स तो नहीं हो, तो यार हेयर सैलून हम लोग आ चुके हैं और ये देखो मेरे हाथ में 5,000 रुपए हैं। चलते हैं इनसे जरा पूछते हैं क्या रेट शेट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी, क्या रेट्स हैं आपके हेयर कट के? 700 और बीएड वगैरह सेट करने के 300 सही है। मेरे पास यार टोटल 5,000 रुपए, ठीक है, ये देख रहे हो, और इसमें मैंने आज का पूरा दिन गुजारना है। तो जरा हेयर कट्स में और इसमें कोई नेगोशिएट हो सकता है बीच में? क्या बात है, क्या बात यार, सिर्फ ट्रिम करने, बाल जो है ना मैं लंबे करूँ, ठीक है, ट्रिम शिम करने, और जो क्या नाम है ये साइड्स है ना, साइड्स बालों की ये बहुत छोटी छोटी रखनी है, मतलब ये बिल्कुल ऐसी रखनी है, हाँ जस्ट इनकी भी ट्रिमिंग करनी है, ठीक है, ज्यादा नहीं करनी, बाकी बस ये बियर्ड शेड कम करनी है, ठीक है, बस ये जल्दी से कर दीजिए।
1 hour later. Oh जी, बाल चाल कटवा के आ गए हैं बाहर और अब चलते हैं, जरा पहले नाश्ता करते हैं चल के। ये कुछ इस तरह का हुलिया शुलिया, दाढ़ी बस थोड़ी बहुत छोटी करवाई और बाल चाल सेटिंग करवा ली है। और अब मेरे पास बचे हैं टोटल 4000 रुपए, मतलब 1000 रुपए पूरे लिए गए हैं मेरे से, 1000 रुपए हमारे कम हो गए, 3000 और ये 4000, तो टोटल 4000 रुपए। अब चल के हम लोग पहले नाश्ता करते हैं, घी से पकड़ते हैं, कुछ लोकल शोकल पकड़ते हैं, कुछ चावल चावल खाते हैं जो ज्यादा महंगा भी ना, क्योंकि अभी हमारे पास फ्यूल भी आहिस्ता आहिस्ता होपफुली रात के 8-10 बजे तक फ्यूल इतना है चल जाएगा, क्योंकि इसमें 40 किलोमीटर होता भी है रिजर्व के ऊपर, तो वो भी हमारा चल जाएगा। लेकिन अभी पहले चलते हैं नाश्ता करने, उससे पहले कश लगा लें क्योंकि अभी बहुत मुश्किल दिन स्टार्ट होने लगा है आगे। बाल चाल कट करवा के उसके बाद मैं निकल गया था खाना शाना ढूंढने के लिए कि कोई अच्छा सा मिल जाए, मतलब आपको पता है अब यहाँ बैरिया टाउन के अंदर जो है इतना कोई सस्ता खाना शाना मिलता नहीं है, सही हैवी किस्म के मतलब महंगे शहंगे खाने होते हैं। तो अभी आप लोग टाइम चेक कर सकते हो, 1:27 हो रहे हैं, जिस जगह के ऊपर हमने खाना खाना है वो जगह मिल चुकी है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को पता है नमाज का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए मस्जिद में, यहाँ पे चल के पहले आराम से नमाज पढ़ते हैं, बस नमाज पढ़ लेंगे फिर चलते हैं सीधा खाना खाने के लिए। और वो जगह भी सही है, मतलब वहाँ पे इतना खर्चा वर्चा भी नहीं होगा, साथ में पानी की बॉटल वगैरह भी हम लोग पकड़ लेंगे। अब मैं नहा तो सकते नहीं क्योंकि आपको पता है इस चैलेंज में घर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो बस ये मस्जिद के अंदर वुजू कर लिए। और ये चेक करो भाई कितनी प्यारी मस्जिद है ये, आए हाय माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ओ भाई यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट भी है, क्या बात है। ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं और जो स्पॉट मुझे नाश्ता करने के लिए मिला है वो यहाँ पे एक बिरयानी सेंटर है, तो यहाँ से बिरयानी ऑर्डर करते हैं। आजो भाई, हाँ जो गाड़ी बाद में ये पहले उसका ऑर्डर ले, आराम से कोई देख नहीं रहा, हम तो बहरे हैं, ऑर्डर देते हैं भाई यहाँ पे बिरयानी का और देखते हैं हमारे पैसे यहाँ पे निकलने वाले। चिकन बिरयानी ला दें, साथ में एक पानी की बोतल भी दे देना, जल्दी से ला दें बस। भाई मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि कोक शोक बिरयानियां चढ़ा रहे, देखो इतने दिन हो गए मैंने कुछ खाया शाया नहीं है सही से, बाहर का फास्ट फूड भी नहीं खाया, तो आज हम आराम से खाएंगे। आ चुकी है हमारी बिरयानी, आहा 450 450, बाकी क्या आप रखें सही। ये रहा हमारा सुबह का नाश्ता जो कि दोपहर में हो रहा है और बहुत ही मजे का लग रहा है, मजा आ रहा है। अब बारी है हमारा फ्लेवरफुल करवाने की और मैं चेक करो शॉप के ऊपर आ चुका हूँ किसी तरह, बस अल्लाह करे बल्कि पैसे उठा लेते हैं हम लोग। मेरे पास कितने बचे हैं बाकी, 3,350। हाँ मतलब मेरे पास अभी 3500 रुपए बच गए, ठीक है, और कोशिश करते हैं हम लोग इसमें इतना। अब देखो फ्लेवर मुझे पता है आता महंगा, लेकिन आसिफ भाई को थोड़ा बहुत मक्खन शक्कर लगाते हैं, ट्राई करते हैं कि किसी तरह हमारा जुगाड़ निकल है। ट्यून जरा चेंज करने का। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, क्या हाल चाल है। माशाल्लाह जी, जैकेट शैकेट आज फुल तैयार हुए हैं। यार वो ना मुझे नया फ्लेवर चाहिए था, और फ्लेवर आपको पता है मैं कौन सा लेता हूँ, बस वही वाला चाहिए। और बोतल कितने की है, क्या प्राइस चल रही है आपकी? 4500। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं बचे, मेरे पास टोटल बचे 3500 रुपए, 5000 वाला एक चैलेंज करो, आपको पता है हम ब्लॉगर को करना पड़ता है समझ लो। तो मेरे पास 3500 रुपए और अभी मुझे गाड़ी में फ्यूल भरवाने, गाड़ी को देखो सामने कितनी गंदी है, इसके को वॉश भी करवाना है जाके मैंने, सही है। उसके बाद फिर मैंने जाके कुछ और काम है मेरे वो भी करने वाले, फिर मैंने शाम में भी खाना खाना है, रात का भी खाना खाना है, लेकिन मुझे सारा इसी में करना है, टोटल 3500 रुपए में। तो प्लीज मुझे इस तरह का कुछ करवा दे आसिफ भाई। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो रही है, बड़ी बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इस तरह करें, क्या आपके पास बजट कितना लास्ट? मेरे पास टोटल बजट ये देखो 500 रुपए, यार ऐसा मत आ जाए भाई, 500 रुपए में दे दो प्लीज, बोतल ले लो यार। क्या है देखो मैं आपका हर हफ्ते का कस्टमर हूँ आसिफ भाई, ऐसे करोगे मेरे साथ है? 500 रुपए में बोतल क्या है यार, चलता रहता है इतना। या तो आप इस तरह कर लो ना, हाँ आप बोतल में फिल करवा लो, मैं अपने साथ जो फेवर होती है, हाँ ठीक है वो कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लिक्विड डाल देता हूँ, 500 आप दे रहे हैं अब रात को ज्यादा पिया जाएगा, दिन में ना 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 सुबह 10 बजे तक, कल सुबह 10 बजे तक, ये तो रोल है, फिल करवा लेते हैं। फिल कर देते हैं, हाँ। और फिल कितने का होगा मुझे ये बताओ, एक एक इसकी जो टैंक है कितने की फिल होगी? 450 रुपीज, 450 450 रुपए की एक टैंक, यार आसिफ भाई अल्लाह अल्लाह करो, मतलब 450 रुपए दूं मैं सिर्फ उसे पूरी रात गुजारने के लिए। चलो 500 रुपए का पूरा कर दो, ये मेरे पास गुंजाइश है टोटल, ठीक है। वैसे टाइम उड़ा होता है, लेकिन आज जब चाहते हैं कि टाइम गुजर जाए किसी तरह गुजर जाए, इतना पेट्रोल साड़ लिया हम लोगों ने, इतनी जगह घूम लिया, इतने काम शाम कर लिए, लेकिन टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा। ये भी आप लोग चेक कर सकते हो, 3:36 हो रहे हैं, आधा दिन भी अभी तक गुजरा नहीं है, और देखो हमारे पास पैसे भी बहुत कम रह गए, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। वैसे कि चलते पहले हम लोग जिम, 2-3 घंटे में भी 4 घंटे वहां पे लगा के आते हैं।
2 hours later. Finally, जिम से फ्री हो गए और अभी 6 बज रहे हैं। अब चल के मुझे पीना है किट कैट शेक। बहुत तलब हो रही है किट कैट शेक की। इसने करते यहाँ पे 2 घंटे हमने लगा दिए। बस हो गई है, वल्लाही बस हो गया है। हैवान चैलेंज मुकने पे नहीं आ रहा। हम लोग आ गए हैं मिल्क शेक के शॉप पे। यहाँ से हम लोग करते हैं ऑर्डर किटकैट शेक। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है यार? एक किटकैट शेक कर दो। नहीं सर, किटकैट बंद किया हुआ है सर। क्यों? नहीं सर, रिजवी साहब का नोटिस है और सुबह सर फलसीन में नुकसान हो रहा है, इसलिए सर नेस्ले का। अच्छा 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 अच्छा, किटकैट नेस्ले। मुझे वल्लाही नहीं पता था। तो किटकैट इसलिए ओरियो भी बंद किया हुआ आपने? नेस्ले वाला जो भी सामान आ रहा है ना, नेस्ले क्रीम वगैरह, दही वगैरह, जो भी आ रहा है वो बंद किया हुआ है सर। यार बहुत अच्छी बात, माशाल्लाह। अच्छा होना चाहिए सर, और क्या होना चाहिए। कसम खुदा की दिल जीत लिया आपने, बल्ले। अच्छा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये जो किटकैट है ना, और ये चलो अच्छा कि हमें पता भी चल गया, इवन बहुत सारे लोगों को पता चला कि किटकैट शेक जो है ना इसराइल का ब्रांड है, तो उसको हमने बॉयकॉट करना था। अच्छा फिर ऐसा करो, आप ना एक स्नीकर का शेक कर दो। और स्नीकर है कितने का वैसे? 650 के। बस ये ला दो, ला दो। ये जो अंकल है ना सामने, ये इधर के ओनर है और इन्हीं ने सबको बोला हुआ कि जो भी इसराइली प्रोडक्ट है वो खत्म करना है। क्या बात है, 1000 रुपए हम लोग। हाँ जी, 650 रुपए थे ये लोग। ये 650 आपने शेक के कट लेने, बाकी जो 350 है वो आपने रखने, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। बस बाकी जो भी है ना सबको आपने ऐसे बोला है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अपने ओनर भाई को भी सलाम देना मेरा, ठीक है? चलो सही है, शुक्रिया भाई, खुश रहो। रोजाना जिम के बाद जो नहाने वाला सीन होता है, आज उससे भी हम लोग गए और अब मुझे सच में ठंड सी फील हो रही है। जैसी रात आना स्टार्ट होती है भाई, ठंड बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो अभी इस तरह का है कि ये चेक करो, अभी हम लोग अपना मिल्क शेक यहाँ पे पीते हैं खड़े होके, मौसम एंजॉय करते करते। और इसको लेने के बाद हमारे पास टोटल बच चुके हैं सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए। किसी तरह रात के 3-4 बजे तक मुझे बस अपना टाइम गुजारना है और अभी सिर्फ और सिर्फ 6 बजे। तो क्या किया जाए, मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि सारे काम शाम मुक गए और सिर्फ और सिर्फ टाइम गुजारना बाकी है। जितना मैं टाइम गुजारा जिम में, मैंने ज्यादा टाइम गुजार दिया। खैर छोड़ो, जान दो, कोई मसला नहीं, कोई ना कोई जुगाड़ लगा लेंगे। मैंने कहा रात के खाने के लिए पैसे ज्यादा बच जाएंगे, लेकिन वो मैंने उस लड़के को दे दिया, क्योंकि उसने जो बात किया ना वल्लाही, एक तो मुझे भी उसने करेक्ट किया समझ लो, उसके बाद फिर उसने अपने ओनर का भी मान रखा कि भाई जो भी आएगा उसको उसने मना करना है, नहीं तो लोग आपको पता है बहुत आराम से इस तरह पैसे भी कमा सकते हैं। ये बस ये मिल्क शेक पीते हैं, उसके बाद सीधा निकलते हैं पेट्रोल पंप। ब्लॉग कंटिन्यू करने से पहले एक छोटी सी अपडेट देनी आप लोगों को कि 14 दिसंबर को पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच होने लगा, टेस्ट मैच उनकी सीरीज स्टार्ट हो गई है, जो कि पर्थ स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। 1xBet की तरफ से आप लोगों को एक बोनस की ऑफर आई है कि अगर तो आप लोग मेरे प्रोमो कोड के थ्रू रजिस्टर करते हैं तो आप लोगों को 39,000 रुपीज का बोनस मिलेगा, और आप उस बोनस से किसी भी टीम पर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि कौन सी टीम जीतेगी जो आप लोगों को लगता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1xBet इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म इन प्रेडिक्शन की वेबसाइट्स में, और 1xBet की 24/7 स्पोर्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। पेमेंट मेथड में भी कोई मसला नहीं होता। जस्ट इमेजिन आप लोगों को कोई मसला आ गया तो आप लोग उनकी स्पोर्ट से रابطہ कर सकते हैं, आप लोगों के सारे मसले से हल कर देंगे। तो नीचे कमेंट्स में एक लिंक दिया होगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आप लोगों ने फिल कर देनी है। प्रोमो कोड का सेक्शन आएगा, वहां पे मेरा प्रोमो कोड एंटर करना है जो कि काकू1x। वंस आप लोग रजिस्टर कर लेंगे अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे, आप लोगों को फिर 39,000 रुपीज का बोनस मिलेगा, उससे फिर आप लोग अपनी प्रेडिक्शन कर सकते हैं। उसी बोनस से खेलना, ठीक है? अपने रियल पैसे ना जाया करना, एंजॉय। घूम शुम के मैं निकलने लगा था, लेकिन आप लोग याद है अभी जब मैं शेक पी रहा था तो वहां पे मैंने जब आप लोगों को बोला था कि अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं पेट्रोल पंप चलते हैं, तो वहां पे एक गाड़ी पीछे से गुजर रही थी और मुझे उसकी सीधा कॉल आ गई कि हाँ भाई किधर खड़े व्लॉगिंग कर रहे हो। तो मैंने कहा ये चैलेंज करो, ये सारा सीन है। और फिर उसने पूछा कि क्या चैलेंज है, मैंने कहा बस 2000 रुपए मेरे पास बचे हैं, रात का डिनर में अपना स्किप करके इस हैवान के अंदर मैंने फ्यूल फुल करवाना है, क्योंकि अब मैं वॉश नहीं करवा रहा, रात होगी कौन सा पता चलता है, समझ लो। कहती है डिनर किए बगैर सो जाओगे, मैंने कहा अब सोना पड़ेगा मजबूरी, कहा आज मैं तुम्हें डिनर कराती हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, लेकिन शी इज वेरी कैमरा शाय और वो कैमरे में आ नहीं सकती। हाय कर दो कैमरे वालों को। हेलो एवरीबॉडी। अच्छा कहाँ लेके चल रही हो फिर डिनर कराने के लिए? मैं कसम से, ये देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अब अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये टोटल मेरे पास गिन लो बेशक। 2000 रुपए, सीरियसली 2000 रुपए ना रहम आपने खा लिया। आप पहली ऐसी लड़की है जो मुझे डिनर करा रही है। सामने डोमिनोज आ गए, एंड में ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग यहाँ पे आ गए हैं डोमिनोज खाने के लिए, क्योंकि कुछ और खाने का बिल्कुल दिल नहीं था। पिज्जा का ये है कि बहुत जल्दी भी मिल जाएगा, टाइम भी बहुत, कि 9:15 हो गए, 9:15 मतलब हमारे 24 आवर्स सही जा रहे हैं, 9:15 हो गए, पिज्जा आते आते 10 बज जाने। तो लो भाई कैश वैश दो मुझे। यार कैश तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें कार्ड दे देती हूँ। कार्ड है? डीएचए की अमीर लड़कियाँ, पासवर्ड क्या है इसका? 1027। तो फाइनली हमारा पिज्जा आ गया, इसको देख के भाई भूख और ज्यादा लगना स्टार्ट हो गई है। तो बस ये पिज्जा खाते हैं हम यहाँ पे, और इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ।
टाइम गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था, जैसे ही जारा आई है उसके बाद ऐसे दस्ती दो तीन घंटे गुजरे पता ही नहीं चला। खैर जारा ने आगे चस्क करा दिया, मजा आ गया, किस्मत से हमारी मुलाकात हो गया, लेकिन जो मुश्किल टाइम था वो अब गुजर चुका है। और अब बारी है मेरी जान के, जिसने आज का पूरा दिन हमारा साथ दिया। इसका बस हम लोग यहाँ से फ्यूल फुल कराते हैं, ये पड़े हमारे रिमेनिंग 2000 रुपीज, अब बस ये भी हम लोग यहाँ पे खर्च कर देते हैं। और देखो बस ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, मतलब आज का पूरा दिन हमने सरवाइव कर ही लिया। रात के 1 बजे किस तरह के मनाजिर होते हैं यहाँ पे, मैं आप लोगों को अभी फ्लैश ऑफ करके व्लॉग में बना के दिखाता हूँ। भाई देखो तो सही, चश्मा नहीं ना पैर गया ना मुझे। ओ हैवान, सामने कसम से पूरी घास के अंदर धुंध 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 सब कुछ धुंधला है, धुंधला। वल्लाह खौफ आ रहा है, ऊपर चेक करो मेरे ऊपर इतना बड़ा दरख्त है ये। और घास, ऐसे घास फील ही नहीं हो रही, यकीन मानो अगर मैं फ्लैश ऑन करूंगा ना फिर वो चीज नजर नहीं आएगी, लेकिन इस टाइम घास फील ही नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना फॉग ही फॉग है सारी। ओए पूरा हॉरर मूवी का सीन बना हुआ है, बस यहाँ से ये झूले चलने ना लग जाए मेरी बैंड बज जाएगी। खैर आप लोगों को बताना है कि रात के 1 बज रहे हैं और अब मेरे मोबाइल में मैं चार्जर लाया हूँ, मैंने घर जाना है तो घर जाने चुप करके मैं जा भी सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को बता देता हूँ कि हाँ भाई जाना पड़ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे भी मैंने सोचा ना, मैं आप लोगों को जाके दिखाऊंगा गाइस, ये देखो मैं सो रहा हूँ, मैं ऐसे सो रहा हूँ, मैं उल्टा सोता हूँ, मैं सीधा सोता हूँ, हैवान ये चीज़ें क्या दिखानी है। अब मैंने ऊपर जाना है चार्जर लेने, क्योंकि आपको पता है मोबाइल के बाहर गुजारेंगे फिर ब्लॉग भी एडिट करना है, तो भाई यहीं पर चैलेंज को मुका देते हैं, सुबह उठ के भी वैसे एंड करना है, तो समझो एक तरह का चैलेंज डन हो गया। नहीं अगर तो इस ब्लॉग के ऊपर 30,000 लाइक्स हो जाते हैं तो नेक्स्ट जो चैलेंज है हम लोग विद पीकेआर 1,000 रुपीज ओनली करेंगे, मजा आएगा। तो इसी के साथ हम लोग आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं। यार वल्लाही क्या खौफ आ रहा है, यकीन मानो खौफ आ रहा है। यार इसी के साथ आज का ब्लॉग हम लोग एंड करते हैं, जिससे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज सब्सक्राइब वाला बटन एक दफा प्रेस कर दीजिए। इन सारे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।